बाय नेहा। मैंने घर तोड़ा तेरा? तू चली थी मेरा घर तोड़ने। सबकी लाते खाते खाते इतनी इंडिपेंडेंट तो हो चुकी हूँ कि अपने सर पर एक छत का इंतजाम कर सकूंगी। गुड नाइट। एक बार जरा फोन करके पूछ लीजिए ना कहाँ है। मैं शालीमार होटल में हूँ। क्यों छोड़ के गए थे आप मुझे? क्यों दिया आपने मुझे धोखा? हम लोग घूम फिर के वहीं आ गए जहां आज से 1.5 साल पहले थे। ये जो भी हुआ इसको भूल नहीं सकते। आप चाहेंगे इसे खुला में? पता नहीं, दिल से तो नहीं शायद। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं हुआ, ये सिचुएशन ठीक नहीं है मेरे लिए। Then follow your heart, Alice. जानते हैं हम लोगों ने ये 1.5 साल बर्बाद क्यों किया? क्योंकि हम लोग डरते रहे दूसरों से, लेकिन इतने हंगामों के बाद भी आज हमारा प्यार जिंदा था। चीजों को खींचने से कुछ नहीं होगा एलिस। खत्म करना है तो एक झटके में खत्म कर दीजिए प्लीज। थोड़ा दर्द होगा लेकिन कम से कम हम लोग अपनी बाकी की जिंदगी खुश तो रहेंगे। सवाल सिर्फ मेरा या तुम्हारा नहीं है मिर्जा, बीवी है मेरी, बच्चे। जानती हूं कि आप उन्हें कभी नहीं छोड़ पाएंगे। ठीक है एलिस, आप जितना इंतजार कर पाएंगे मैं करूंगी। क्या हुआ, नहीं आई? बहुत समझाया उसको लेकिन वो जगह आज वो छोड़ गई। मैं भी बैठा रहा जानबूझकर वहां सुबह तक। वो होटल छोड़कर फिर कहां जाएगी? पता नहीं, शायद किराए का घर ले ले, देखते हैं। आप ज्यादा मत सोचिए हाँ? चाय पियेंगे? बना दूं? मैं बहुत तकलीफ देती हूँ ना आपको। तुम? हाँ, नीरजा मेरी तो बहन है। मैं नहीं होती तो वो भी नहीं होती आपकी जिंदगी में। खत्म करना है तो एक झटके में खत्म कर दीजिए प्लीज। थोड़ा दर्द होगा लेकिन कम से कम हम लोग अपनी बाकी की जिंदगी खुश तो रहेंगे। लीला, पानी ले आना थोड़ा चाय के साथ। हाँ। सतीश, इस बार ये धोखा नहीं है, मेरे मन का भूत था ये। मैंने उस दिन उन दोनों को इस तरह लिपटे हुए देखा तो मेरे मन का भूत मेरे ऊपर हावी हो गया।
पर दीदी तुम पक्के तौर पे ये कैसे कह सकती हो? देख, उन दोनों के बीच में अगर वाकई में कुछ चल रहा होता तो मेहुल से तलाक वाली बात पर गुस्सा होकर वो यहां मुझसे लड़ने नहीं आती। अगर उसके मन में चोर होता तो मेहुल के छोड़ने पर उसके दिल को इतना दर्द नहीं होता। दीदी बहुत बुरा लग रहा है मुझे अपनी ही बहन के बारे में ये कहते हुए, लेकिन जो लोग कहते हैं ना बिल्कुल सही कहते हैं दीदी। इंसान जो करता है उसकी सजा उसे यहीं इसी धरती पर भुगतनी पड़ती है। जो भी इंसान किसी का घर तोड़ने की कोशिश करता है उसी का घर टूट जाता है। मैं उनसे बात की तूने? क्या मुंह लेके उसके पास जाता मैं, क्या बात करता उससे दीदी। दीदी सही बात तो ये है कि हमने उससे और उसके घर वालों से ये बात छुपाई है ना। मुझसे बोला वो कि दीदी आपकी बात मानकर अगर हम दोनों साथ रहने भी लगे तब भी पूरी जिंदगी हम लोग ये रिश्ता बस ढोते रहेंगे। अब इस बात का तो कोई जवाब नहीं था मेरे पास। मेरा भी अपना एक घर होता और उस घर में वो आदमी होता जिससे मैं प्यार करती, जो मुझसे प्यार करता। मेहुल शायद करता था मुझसे प्यार, मैंने भी कोशिश की उससे प्यार करने की, पर हम लोग उस प्यार को जी नहीं पाए। झगड़े तो मेरे और आपके बीच भी होते हैं, मगर हर बार लड़ने झगड़ने के बाद भी हम लोग एक दूसरे के पास लौट आते हैं। मेहुल और मेरे झगड़े शुरू हुए तो हम लोग एक दूसरे से बस दूर ही होते चले गए। एक दूसरे को सोचना समझना एकदम से बंद कर दिया था शायद हम लोगों ने। Are you sure तुमको कुछ चाहिए नहीं मेहुल से? देने को तो वो सब कुछ देना चाह रहा है, अपना घर पैसे, पर मुझे नहीं चाहिए। मैं बिना किसी सहारे के जीना चाहती हूँ। ठीक है फिर ले लो तलाक, कर दो इस कागज पर साइन, सब ठीक है, मैंने पढ़ लिया। एक कॉन्ट्रैक्ट मुझे भी करना है तुम्हारे साथ। कॉन्ट्रैक्ट? हाँ जुबानी कॉन्ट्रैक्ट, यही कि हम क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे। मुझे मालूम है आप क्या कहेंगे एलिस। नीरजा हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं लेकिन एक दूसरे से मिलेंगे नहीं, मेरी कुछ मजबूरियां हैं। तो हेल्प विद योर कॉन्ट्रैक्ट एलिस। इस बार अगर आपने मुझे धोखा दिया ना तो देखेगा मैं क्या करती हूँ। दीदी तो जहर खाकर बच गई थी लेकिन मेरा आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैं कहाँ जाकर मरी। हाँ ठीक है चलो अभी मेरे साथ, आज झंझट खत्म कर देते हैं। तुम्हारे साथ साथ मैं भी तलाक के पेपर्स दे देता हूँ लीला को। हाँ तो चलिए। क्या हुआ, चलिए दीजिए तलाक उन्हें। वो तुम्हारी बहन है नीजा, उसको लेकर तुम्हें कभी कुछ महसूस नहीं होता? अपने और मेरे प्यार के बीच आप दूसरों की दुहाई क्यों देते रहते हैं? हाँ ठीक है वो बहन है मेरी तो मैं क्या करूं, उसके लिए महसूस करूं या अपने लिए? मैं आपसे प्यार करती हूँ एलिस, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं आपके नाम की माला जपती रहूं मीराबाई की तरह। सॉरी ये नहीं होगा मुझसे। आप ये बात जाकर दीदी को क्यों नहीं कहते? जाइए जाकर कहिए उनसे कि वो इस बात को एक्सेप्ट करें कि आप उससे नहीं बल्कि मुझसे प्यार करते हैं। हर बार मैं ही क्यों बलिदान दूं? हां पिछली बार मैंने किया था, इस बार वो करें। हो गया निकल गई भड़ास। सारी गलती मेरी है, सारी गलती मेरी है। शादीशुदा आदमी होने के नाते मुझे किसी और के प्यार में पड़ना ही नहीं चाहिए था। सोचना चाहिए था कि मैं जो भी कर रहा हूं सही है या गलत है, लेकिन तब मैं दिल के हाथों मजबूर था।
कुछ दिखाई नहीं दे रहा था मुझे। तुम बार बार कहती हो कि मैं छोड़ दूं लीला को, ये मैं कर सकता हूं नहीं। सिर्फ एक बार हिम्मत जुटा के मुझे उसके सामने जाना होगा, और मैं गया भी था उसके सामने जब उसे छोड़कर मैंने तुम्हारे पास आना चाहा था। लेकिन बात सिर्फ इतनी सी नहीं है नीचे, मैं छोड़ तो दूंगा उसे, लेकिन उसके बाद सारी जिंदगी, हर रोज, हर पल, हर लम्हा तिल तिल करके मरूंगा। बहुत बेइंसाफी की मैंने अपने बीवी के साथ, बहुत बेइंसाफी की मैंने अपने बच्चों के साथ। तो फिर एक तरीका है, आप मुझे भूल जाइए, मत सोचिए मेरे बारे में जरा भी। मुझे छोड़कर आपको ये तो नहीं लगेगा कि आपने किसी के साथ बेइंसाफी की। एक और तरीका है नीचा, यूं ही हम एक दूसरे से प्यार करते रह सकते हैं अगर किसी को पता ना चले तो। लीला को तभी शक होता है जब मैं देर से घर लौटता हूं या तुम्हारे साथ रात गुजारता हूं। इसका मतलब मेरा खेल बन जाऊं आपकी, जब आपका मन किया आए, जब मन किया नहीं आए। हर चीज को इतना ब्लैक एंड व्हाइट में क्या देखती रहती है, बस या इस पार या उस पार। ऐसा ही होना चाहिए, जिंदगी में ऐसा नहीं होता नीचे। ब्लैक एंड व्हाइट के बीच में बहुत कुछ होता है। हाँ होता होगा, लेकिन मेरी जिंदगी में नहीं है ये सब रंग, सिर्फ दूसरों की जिंदगी में है। अच्छा ठीक है, एक जुबानी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। क्या? आप जैसा कहेंगे वैसा ही होगा। जब आप कहेंगे तो हम लोग मिलेंगे, जब कहेंगे नहीं मिलेंगे, लेकिन एक शर्त पर। क्या? मैं आपको 6 महीने का टाइम देती हूँ। इन 6 महीनों में आपको हिम्मत जुटानी है। इन 6 महीनों के अंदर अगर आपने दीदी से नहीं कहा कि आप मुझसे प्यार करते हैं तो सारे डिसीजंस मेरे होंगे। क्या मतलब? मतलब ये एलिस कि अगर मुझे ये रिश्ता रखना होगा तो मैं रखूंगी, वरना हम दोनों अलग हो जाएंगे। क्यों? इतना अधिकार भी नहीं देंगे आप मुझे कि मैं अपनी जिंदगी के फैसले खुद कर सकूं? 6 महीने बहुत होते हैं एलिस। इन 6 महीनों में मैं ना तो आपकी जान खाऊंगी ना दीदी की, और धीरे धीरे आप इन 6 महीनों में अपनी हिम्मत भी जुटा सकते हैं। ठीक है, तो अब तो आप जाना चाहेंगे? दीदी आपका इंतजार कर रही होगी। नाराज हूं? हूं तो, लेकिन जब एक मजबूर इंसान से प्यार किया है तो क्या करूं। ठीक है, तो कल मिलता है? जब आप चाहें, कल, परसों, एक हफ्ते बाद, एक महीने बाद। अब तो 6 महीने हैं आपके पास। आई होप सब ठीक ही हो जाएगा, क्या पता मैं हिम्मत ही जुटा लूं। ऑल द बेस्ट। बाय बाय। इन 6 महीनों बाद मैं आपको मौका ही नहीं दूंगी एलिस, क्योंकि ये लड़ाई या तो इस पार होगी या उस पार। अभी 6 महीने तो हुए उसके तलाक को, और सच बताऊं दीदी, मीरजा उन लड़कियों में से नहीं है जिसे अपने घर वालों की फिक्र हो। मैंने भी यही कहा अम्मा से, एक बार तुमने उसकी शादी करा दी बहुत हो गया, अब दोबारा उसको ठिकाने लगाने की चिंता में मत घुलो तुम। इंडिपेंडेंट लड़की है, खुद कमाती है, 4 तरह के लोगों से मिलती है, ढूंढ लेगी कोई अपने आप। पता है दीदी, उन सारी घटनाओं के बाद से जैसे मेरा लगाव ही कम हो गया उस लड़की से। 6 महीने से उससे मुलाकात नहीं की मैंने, फोन पर भी बात नहीं की। हाँ कभी कभार उसकी दीपा से बातचीत हो जाती है। दीपा ही बता रही थी कि काफी अच्छा कर रही है ऑफिस में,
काफी इज्जत है उसकी, लेकिन भाई जैसी वो बात नहीं रही अब मुझ में। जो उसने तुम्हारे साथ किया वो अब छोड़ो भी उसे। वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला, और फिर कुछ सालों में सब लोग भूल जाएंगे इस बात को। तुम भी दीदी? कोशिश तो बहुत करती हूँ भैया, लेकिन हर रोज कहीं ना कहीं याद तो आ ही जाता है। वो जैसा होता है ना चोट खाए हुए लोगों के साथ, जब ठंड पड़ती है तो चोट बार बार दर्द करती है, ये मौसम शायद मेरे साथ भी ऐसे ही रहेगा। हर साल आएगा और मेरी चोट खोल जाएगा। दीदी, इनका व्यवहार बदला क्या कुछ? आओ, अब टाइम से घर आते हैं, कोरट से भी दो एक बार फोन कर लेते हैं। वैसे अगर सब कुछ उल्टा हो जाता तो? उल्टा मतलब? मेरा मतलब है अगर जीजा जी वाकई में आपको छोड़ के उसके साथ चले जाते तो? तो मेरा मतलब है कि तुम क्या करती दीदी? क्या करती भैया? मैं इंदौर चली जाती अम्मा के पास दोनों बच्चियों को लेके, फिर यही पैसा भेजते, उसी के सहारे जीते हम लोग। चलो, अंत भला तो सब भला। हाँ। मेरे कमरे में अगर कोई आपकी ऐसी फोटो खींचकर दीदी को भेजते तो कैसा रहेगा? झगड़ा होगा और क्या। झगड़ेंगी तो वो नहीं आपसे, लेकिन आपकी हालत जरूर खराब हो जाएगी। कितना अच्छे से जानती हो ना तुम मुझे। वो तो है, आपकी नस नस से वाकिफ हूं मैं। क्या हुआ, क्या ढूंढ रहे हैं? शर्ट कहाँ गई? शर्ट तो मैंने धुलने में डाल दी। धोने डाल दी मतलब? मतलब मैली हो रही थी तो मैंने सोचा धो देती हूँ। मजाक मत करो निजा। आप इतना क्यों घबरा रहे हैं? मैंने वाकई में धुलने में डाल दिया वो। अरे तुम्हें क्या पहन के जाऊंगा अभी? मत जाइए। मत जाइए मतलब क्या? 7 बजने वाला, घर पहुंचते पहुंचते 8 बज जाएगा, मैं और रुक नहीं सकता हूँ। नहीं रुक सकते तो ऐसे ही चले जाइए, कार में तो जाना है आपको, कौन देखने वाला है आपने शर्ट पहनी है। नीचे शर्ट दो ना। ठीक है, अगर आपको गीली शर्ट पहन के जाना है तो दे देती हूँ। तुम क्यों इस तरह मजाक करती रहती हो मेरे साथ? इसलिए कि मैं भी महसूस कर सकूं कि मेरा भी एक घर है और उस घर में मेरे अलावा मेरा आदमी भी रहता है। सॉरी, रहता नहीं है, कभी कभी आता है। और अगर महीने में 29 दिन उसकी गंदी शर्ट धोने का अधिकार उसकी बीवी को है तो एक दिन, सिर्फ एक दिन ही अधिकार मुझे क्यों नहीं मिल सकता? सिर्फ इतनी सी बात है अरे, और आप हैं कि इतना गुस्सा हो रहा है। ये लीजिए आपकी शर्ट, मैं मजाक ही कर रही थी। आज 23 मई है लस। तो आज से 6 महीने पहले 23 दिसंबर को हम लोगों ने कुछ तय किया था, एक जुबानी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था हम लोगों के बीच। इस बारे में कल बात नहीं कर सकते हम लोग? ठीक है, कल कर लेंगे बात। जहां 6 महीने इंतजार किया है मैंने, वहां एक दिन और सही। तो कल कितने बजे? 6 बजे। 6 बजे ठीक है, 6 बजे। कैसे कहूं मैं तुमसे लीला, कैसे कहूं कि मैं और नीरजा
क्या बात है, अब बहुत परेशान लग रहा है। क्या है ये? क्या बना रही हो? ये आपके रुमालों पर आपका नाम काट रही हूँ, ये देखिए। कैसा? अच्छा है। आपको अगर सच में अच्छा लगा है तो आपके कमीजों पर भी काट दूंगी। लीला, मुझे एक बात करनी है तुमसे। ये घर अभी सिर्फ मेरे नाम पे है और मैं सोचता हूँ कि तुम्हारा नाम भी उसमें जोड़ दूँ। क्यों? मुझे अगर कभी कुछ हो गया तो? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको कभी कुछ नहीं होगा। मैं हर रोज 1000 बार भगवान के सामने प्रार्थना करती हूँ आपके लिए। मेरा भगवान इतना निर्दयी नहीं हो सकता। आप एक मिनट खड़े हो जाइए। क्यों? उठिए तो सही। मैंने ना टीवी में देखा था, सब लोग अपने कोट के जेबों में ये ऐसा रुमाल रखते हैं।